के समान है, सिद्धार्थ जी के समान है। What I told? There is one Sridhar Swami ji. He has given commentary on Srimad Bhagavatam and Mahaprabhu was very much fond of it and he has once explained that who does not accept Sridhar Swami, he is like a prostitute. He has given a slightest tinge of Mayavad in that way. He has just caught as a net catches the fish, similarly he has caught the Mayavadi into Bhakti Ras. इसलिए वो सिद्धर इस दृष्टि से भक्त की दृष्टि से सिद्धर भक्ति की रक्षा उन्होंने की। अब दूसरी तरफ में सिद्धर हमारे उपास्य श्रीधर हुई श्रीधर अल्टीमेटली वी सी दैट श्रीधर इज नारायण श्री मन लक्ष्मी पर सर्व लक्ष्मी इज श्रीमती राधिका जो राधिका को धारण करके अपने सत्ता की रक्षा करते हैं वो सिद्धर है। But Shida means the inner meaning of Shida is Krishna who accepts Radha Rani and hence he protects his existence. So he is Shida. If Radhika is not there, he is not taking ashray of Srimati Radhika, Krishna is Nirvishesh Brahma. He is Sunya Brahma, like this. So Sridhar, who is Sridhar? Not Narayan here. It can be taken derived by that word, Sridhar Manya Lakshmi Narayan. But Sridhar is in first sloka of Mangala Charan of Jayadev Goswami. Sita Kamala Kucha Mandala Trita Mandala Kalita Lalita Banamal Jay Jay Dev Hare. Here Sridhar. Because taking the Avalamban means kya? Shelter. Without the help of Srimati Radhika, Krishna cannot take and do anything. Even he cannot take the Govardhan mountain in his hand. He cannot be so beautiful if Radhika is not there. Sri Mukha Chandra Chako. So the Sridhar means this thing. So Prabhupada thought all these things and gave this proper name to him. Isliye aaj unke charno mein hum log pushpanjali pradan karte hain. Wo chale gaye hain. उनकी मृत्यु हो गई है ऐसा डोंट थिंक ही इज नॉट हियर यू शुड नॉट थिंक दे विल नेवर डाई दे आर इटर्नल दे आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ श्रीधर दास श्रीधर सो श्रीधर दास और श्रीधर गोस्वामी भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ऑलवेज प्रेजेंट सब समय वो हैं आज हमारे गुरु के शाही साथ हम लोगों के सभी के ऊपर में कृपा करें जब उनके विचारों से हम लोग स्नात होकर के उनके लाइन पे चढ़ करके अपने गुरुदेव की सेवा हम कर सकें ही वाज वेरी गुरुनिष्ठ सो आई एम प्रेइंग दैट ही शुड बिस्टो हिज मर्सी ऑन अस कॉजलेस मर्सी दैट वी कैन सर्व आवर गुरुदेव इन द सेम लाइन एंड ही शुड बिस्टो हिज मर्सी दैट वी शुड ऑल्सो नो Bhakti like in the line of him. So this is our our Pushpanjali in the lotus feet of Param Pujyapad Om Vishnu Parshu Siddhar Goswami Maharaj. Gaur Praman. Tomorrow, in very morning, our aarti will be done at about 5:30. 4:30. And Sankirtan may be done. And after that, our buses will come. And you should try to seat as they will direct. No utensil, bedding or anything are needed there. आप लोगों को कुछ खाने पीने के लिए कोई भी ले जाने की जरूरत है नो नीड ऑफ टेकिंग एनी प्रसादम टू टेक एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड देयर सो यू शुड ऑल कम हियर एंड पॉजिटिवली एंड वी विल गो टू मधुबन तालबन कुमुदबन एंड बहुला एंड वी विल ग्लोरीफाई व्हाट काइंड्स ऑफ पास्ट एंड स्वीट पास्ट सॉन्ग्स ऑफ कृष्ण एंड श्रीमती राधिका वी हैव डन एंड You'll be very much grateful for all these things.
आज यही तक कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौ प्रमाण। एक संग तो बोला ऑल दिस एट अ टाइम। कृष्ण देव नमामि नन्दनं Bye.
गजौरीपुरीं माथुरीं गोष्ठवातुं राधाकुण्डं गिरिवर्महोराधिकामाद्वासं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं तोष्णीं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च धामं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिजे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डं जागुडरुचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि न सद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम् दामोदरं ध्यायेम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभा पुत्रेति तन्मेत्रया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानुतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायराधे तं नये मां च भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् अनुसृताश्च वदामि राधाम् करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नताम् कल हम लोग श्री श्री धर्मोदरष्टक के से हम लोग बतला रहे थे कि शतव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे विशेष करके उनकी बाल्य लीलाओं का मधुर बाल्य लीलाओं का स्मरण करते हुए बतला रहे हैं। और मैं लाख लाख बरों की मैं चेष्ट इच्छा नहीं करता, मैं तो केवल यही चाहता हूं यशोदा जी ने जिस कृष्ण के मुखारविंद को बार बार चुंबन किया और भीतर से एक और अभिलाषा थी किंतु अभी व्यक्त नहीं किया। मैं उसी मुखारविंद को अपने हृदय में सदा के लिए रखना चाहता हूं और लाख लाखों बरों की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं। शतव्रत मुनि वॉज फ्रेंड टू बाल गोपाल दैट आई डोंट वॉन्ट लैक्स एंड लैक्स बेनिडिक्शंस but I want the very face which was kissed by Yashoda always. Sometimes also kissed by Murali Venu. Also it was kissed by all the gopis, Sakhi, especially by Chandrauli and Srimati Radhika, and especially by Radhika. But he could not. He has no dare to say this because his prayer was not so much high now. इसलिए वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने देखा ऐसा दुर्लभ वर
साधारण रूप में नहीं पाया जा सकता. इट इज वेरी रेयर, इट इज सो हाई क्लास ऑफ बेनेडिक्शन दैट आई हैव नो क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू हैव दिस बेनेडिक्शन. हाउ इट कैन बी अचीव्ड? यू हर्ड यस्टरडे that Nam Sankirtan and Krishna is himself both. But Nam are of so many kinds. Jagat Sambandhiya Nam, the name related to this world. Jagannath, Brahma, Paramatma, Jagadish, like this. And secondly, prominent names like Narayan, Ram and all other things. And most supreme names. Full of sweetness. Agatamana Jasodanandana Nanda Sunu Kamalanayana Gopi Chandra Bindavanandra Pratakarana Krishna Vityaneka Swarupe Taima Maruchi Uchai Vardhatanna Madheya. More superior. Narad Vina, Narad Muni Bajaya Vina Radhika Ramana Narad Vina Jivanu राधारमन, राधा गोविंद, गोपीनाथ, राधानाथ, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. राधा कांत सुप्रीम ने जुगधर्म नाम संकीर्तन इज अनदर थिंग. जुगधर्म प्रिस्ट बाई द जुगावतार्स इट कैनॉट बी ब्रज प्रेम बट चैतन्य महाप्रभु व्हाट ही प्रिस्ट एंड ही इज एसोसिएट्स तन नाम रूप चरितादि दृष्ण so not it is not different from the Krishna Brajendanandan Shyam Sundar Radhana. So he thought that gopis were feeling separation. Gopiya Krishna ke prati atyant biras se atur thi, to unhone Krishna naam ka kirtan kiya, unki leelaon ka gayan kiya. Kya gayan kiya? तव कथामृतं तत्तजीवनं कविकीर्तितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. They began to sing. They were observed. They forgot their whereabouts and this body and senses and everything. Krishna was bound to come. Who came? Radhanath, Gopinath came. At once appeared. So he thought that by Nam Sankirtan he meant very soon. So he began to tell like this. Namo Deva Damo Dhanantarishno प्रसीद प्रभु दुख जाराधिमग्नम कृपादिष्टि बीजति दीनं बतान गृहे समामग मेघक्षिदृश नमामि स्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं. Began to chant loudly and he was observed. Namo Deva Damo Dharananta Vishnu. Then at once Krishna came, this Bal Gopal, and told, what benediction you want now more? Then he was began to tell, we will describe it, explain in other way. Go Pramanande. I wanted to say one thing. Yesterday there were so many bhakta speakers, but it was too late, so I could not talk them to
deliver the speech. The speech and to give their offerings. Offerings. Like he at first took sannyas from him, and so many others were. क्या वो ऑस्ट्रेलिया के हैं? मिखला दीदी. अरे ब्रजेंद्र क्या अरे ऑस्ट्रेलिया का जो फिजी में व्यवस्था कर रहे हैं देवेंद्रनाथ. देवेंद्रनाथ वेरी देवेंद्र ही सी कारपेट देवानाम इंद्र देवेंद्र प्रभु व्हाई यू सीट देयर आई ऑलवेज सर्च यू टू बी हियर वेरी नियर I wanted to that you should speak yesterday, but you could not. You were not here. Anyhow, कल मैं एक चीज बोलना भूल गया. क्या बोलना भूल गया? विदेश से लोग from Western foreign countries, so many devotees came, and they were attracted to. परम पूज्य पाद श्रीधर महाराज नो दे वर अट्रैक्टेड टू मी ऑल्सो सम बट हाउ दे केम हु ब्रॉट देम इफ स्वामी जी हैज नॉट गन देयर एंड प्रीच सो एनी ऑफ द वेस्टर्न डिवोटीज कुड हैव कम आई थिंक दे नेवर I think that so many devotees are coming also. But I think that they are reading these books of Swamiji's. And where there is some smell of Swamiji, they are attracted. So, Swamiji had done marvelous. He had brought all and he had made them, see the glory of Siddhar Maharaj, Pujyapad Siddhar. See the glory of Srila Bhakti Pragyan Kishore Goswami. See the glory of this little boy orphan, Narayan Maharaj. So, I am giving Pushpanjali in the lotus feet of my Shiksha Guru, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj. By his unconditional mercy, I think that mercy. You have all come. Not due to me, not due to anyone. It can be called the mercy of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu, no harm. But it will come through him. Because the mercy of Krishna depends on the mercy of devotees. Otherwise, Krishna can do any mercy. So, I am saying that apna Shraddhanjali unke charanon mein अर्पित करता हूँ और समझता हूँ कि कल का हम लोगों का जो यह उत्सव था बहुत ही सक्सेसफुल आई थिंक दैट यस्टरडे आवर दिस प्रोग्राम वाज सो सो ब्यूटीफुल एंड गौ प्रमानंदे ब्रह्मचारी शुड गो फर्स्ट एंड दे शुड अरेंज मधुबन समरी डायरेक्टर गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हम लोग आए गुरु वैष्णवों के अनुगत में जहाँ उपस्थित हुए के चरणों में प्रेम भाव को प्रकट करते हैं इस प्रकार ब्रज के वृक्ष लताओं में सत्ययुग The son of Uttanapad named Dhruva, being ushered here, and within 6 months he takes darshan of Hari. We shall go there, his place of austerity, and we shall take darshan there later from here. In Teta Beehives, playing so many plays here. Once
एक बार की बात है कि जसोदा मैया ने सूरदास से चलिन सूरदास जी ने वर्णन किया है, मैयारी मैं नहीं माखन खायो भोर भयो, कहाँ जाओ भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो, और शाम जब हो गए तो क्या हुआ चारों पहर वेरी लिटिल बॉय बेबी एंड ही ऑलवेज सेंट मी इन द फॉरेस्ट वेरी मॉर्निंग and I used to go to Madhuban and from there Bansi Bhatt here and there all day going here and there and in the evening when it is darkness is coming then I return to home and I take something and I sleep. When I have taken it seems that you are telling me that you are not my own mother. You are my stepmother, that is why you are telling so. If you are my own mother, you have not told like so. So I will have to go anywhere else. Then at once Jasoda heard this and her heart was melted. And at once they told, but nahin, tumne Makkah nahin gaya, you have not taken Makkah. And Krishna was also at once turned and he is telling Maiya, main nahi makhan kha. Ori Maiya, I have taken makhan. And Yashoda Maiya is telling, no, you have not taken makhan. You are like little girl. And he took Krishna in her lap and began to caress. Then Yashoda was weeping also and Krishna was weeping. Krishna is telling that I have taken makhan, and she is taking that. No, you cannot take. You are so little baby. How you can take? So this is the places of all these things. Also, here Chaitanya Mahaprabhu came. Here Nityananda Prabhu came. Here Bhaktivinoda Thakur came. Here Jiva Goswami came. Srinivas Acharya Shyamananda Prabhu and Narottam Thakur came in all these places. Even Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati came and he established one mass here. He not established, but is one of the disciples, had Madhav Maharaji ka shishya, isne unka naam tha Parvat Maharaj. He established one mat here, but now not going running well. So यहाँ पर सभी लोग आए, हम लोगों के गुरु महाराज जी यहाँ पर आए, और गुरु महाराज came with पूज्य पात्र विक्रम महाराज, myself and Bam महाराज and all about 500 devotees. We intent in everywhere in paddle on foot parikrama. Living one day here, for 1 month we were here. At that year, it was severe cold. I think that it may be cold also this year. So you should be careful and take your luggage, your cloth, warm cloth with you. So ye sthan mein hum log aaye. Yahan par Guruji bhi aaye the aur sab log aaye the. Hum log is dhuli ko pranam karke aur Baldev ji ka yahan par darshan karenge. और कृष्ण कुंड में अभी आज चाल करके आचमन कीजिए, और इसके बाद में हम लोग गुरुओं की लीला स्थली में जाएंगे, तपस्या स्थली में. ये सो टच द वाटर ऑफ कृष्ण कुंड एंड हैव ए दर्शन ऑफ बलदेव प्रभु. ही हैज बिकम, ही वाज गोल्डन कॉलर बट ही बिकम ब्लैक कॉलर बिकॉज कृष्ण वाज इन द्वारका एंड ही केम हियर एंड ही वाज सेपरेटिंग, ही वाज फीलिंग सेपरेशन मोड फॉर कृष्ण एंड thinking Krishna black, Krishna became black. So he is black. Go Pramanande. Bolo Bolo Dev Prabhu ki Krishna ki lila sthali ki jai. Pujya Patra Vikram Maharaj ki Krishna. Krishna Krishna.
ये तो गौरव तुझे जरा एक मिनट आप अपनी गाड़ी कहाँ एक किलोमीटर कुल्लर लाना है कुल्लर अल्लाह के आगे कार अरे किसने शांति से रह जाता We have reached the place of ignorance. Rather, foolishness. As a donkeys are called fool. And this is the place occupied by the donkeys. This place is the abode of donkeys. It was the abode of the donkeys in the time of Lord Krishna when he was playing in this braja. But he is ever present, so this place is also ever present. So Narad Maharaj is outstanding here. Everything is present here, always. So the donkeys are even present now, nowadays also. They are not gone. They are not driven out. Because transcendental pastimes is always present. But the play of this world comes and goes. So we think that the donkeys has left this place, but it is not. However, the donkeys, you will hear the lila pastime from the mouth of my Narayan Maharaj. I leave it for him. I am only chucking out the way. They were accompanying or servants of Kamsa. Kamsa was put them in guard of this barn, in this forest, where plants of palms of dal grows. And it was very fragrant and very sweet. And Kamsa always used to eat this, taste this. And no other than him could not taste it. But the inmates of Baladev and Krishna came to this place and got the fragrance from the remote place. So they wanted to taste it. When they came and entered this place, and Baladev one moved the tree, and the plant and the fruits began to fall. And at the sound, the ashes, the Dhenukasu ran towards them and tried to beat them by their legs behind. This is the habit of the ignorance. They cannot face in front. They remain always behind. But Baladev put them to death, and then all other inmates of the Dhenukasu were also put to death. Then they tried to taste it, but it was not possible because with their blood and
stood there, the stool, the, everything was boiled. So they died and the food source was boiled. It will be heard from the face of Narayan Maharaj. Thank you. संदिनी शक्ति के मूल विग्रह होने के कारण समस्त सत्ता के सबके अधिष्ठात्री हैं। चित बल के द्वारा समस्त संसार विश्व जगत सब कुछ उन्हीं से प्रकाशित हुआ है। जड़ शक्ति के द्वारा जड़ जगत, चित शक्ति के द्वारा चित जगत, ये जितने भी अप्राकृत सत्ता अप्राकृत धाम आदि हैं, सब कुछ बलदेव प्रभु जी हैं। बलदेव प्रभु जी 10 प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। आसन वासन भूषण छत्र पादुका चामर व्यजन आदि से लेकर के ऐसा कोई वस्तु नहीं जो कि जिस रूप में बलदेव जी नहीं हो, कृष्ण की सेवा नहीं करते, सब प्रकार से सेवा करते। बड़े भैया के रूप में स्वयं है, भ्राता के रूप में, और उसमें शांत दास सख वात्सल मधुर पांचों प्रकार के रस में भी कृष्ण की सेवा करते। इसी प्रकार से स्वयं धाम स्वरूप है, धाम स्वरूप होकर के जहां जहां भगवान का अवतार होता है तहां तहां स्वयं अवतीर्ण होकर के धाम को आसन को बिछाते हैं, और उस धाम में प्रभु की लीलाएं होती हैं। सब प्रकार से एक प्रकार से जैसे राधा जी इधर महाभाव के प्रेम की मूर्ति है और कृष्ण को श्याम रस मधु प्रेम रस का आस्वादन कराती हैं, और बलदेव जी सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। इसी प्रकार बलदेव जी कृष्ण के साथ में रहते हुए जो कई काम हुआ सारे कामों को करते हैं। ब्रज में रहते हुए मूल विग्रह बलदेव जी जो है स्वयं एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र काय, शरीर से केवल पृथक पृथक दोनों एक ही स्वरूप है। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, केवल शरीर के साथ में स्वरूप का भेद मात्र है, एक गौर वर्ण के एक श्याम वर्ण के। इसी प्रकार अभिन्न रूप में रहते हुए कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा विलास, निरंतर उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा परिचर्या आदि से लेकर के सब कुछ बलदेव प्रभु जी करते हैं। उन्हीं के प्रकाश है गुरुपाद पद्म जो कि अखंड गुरु तत्व में ही उनके मूल विग्रह स्वरूप बलदेव जी को कहा गया है। इसी प्रकार सबके अधिष्ठात्री होकर बलदेव जी पर आए हैं। आप लोग सुन चुके हैं कि यह स्थान क्या कहलाता है, तालबन। आजकल तालबन से इस स्थान का नाम तारसी हो गया है। तालबन कहने से साधारण लोग नहीं समझेंगे, किंतु तारसी कहने से सभी लोग समझेंगे। तारसी कैसे हुआ, तारसी, ताड़ मने ये ताड़ का पेड़ है, इसी के ताड़ के फल लगे हुए थे ऐसे ही। In that, this is ताल वृक्ष, palm tree. Palm tree, not good name. ताड़ से तारसी नाम अभी हो गया। कृष्ण एंड हिज एसोसिएट्स ऑल कव हर्ट बाय बॉर हंग्री, दे वांटेड टू टेक समथिंग, इसलिए सब लोगों ने कृष्ण और बलदेव से कहा हम लोग भूखे हैं, कुछ खाना चाहते हैं, विशेष करके ताड़ फलों का सुगंध आ रहा है। कृष्ण ऑल द कव हर्ट बाय टोल्ड टू कृष्ण एंड बलदेव दैट वी आर सो हंग्री एंड वेरी sweet fragrant of these fruits are coming. But there is Dhenukasur and he is giving God there. Anyone cannot go Prajvasi. Only these fruits are reserved for Kansa and his associates. Anyone cannot enter in this garden. कोई भी इस ताल के बगीचे में नहीं आ सकता है, कंस के लिए रिजर्व था। बलदेव प्रभु और कृष्ण यहाँ आए और उस धेनुकासुर को यहाँ पर वध किया। कृष्ण केम, अच्छा तो ठीक है, हियर बलदेव प्रभु किल्ड धेनुकासुर
धनुकासुर हु आर धनुकासुर धनुकासुर है कौन? जो कंस के अनुचर हैं वो धनुकासुर हैं। जो गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर के भी और गुरु का आदेश पालन नहीं करते और उनके आदेश निर्देश में भगवान की सेवा नहीं करते, वो लोग गधे हैं, वो लोग धनुकासुर हैं। और उनको बलदेव प्रभु जी जान से मार करके भक्ति लाइन से विच्युत कर देते हैं। दोस टेक इनिशिएशंस एंड दे टेक ओथ दैट फॉर होल लाइफ वी विल सर्व यू, नॉट सर्विंग गिविंग अप गुरुदेव। दे वांट टू डू स्वतंत्र भजन इंडिपेंडेंस। दे आर धनुकासुर गर्दभासुर and Baldev Prabhu kills them. What is the meaning of killing? To take to hell. Dhenukasur has a special qualities. Dhenuka means ashes, donkeys, a special qualities, two qualities, very lusty, very very lusty. So donkeys are lusty, always pursuing sea donkey, taking and testing the feet, her kicks always, but never this tired, always testing the kicks of their wise sea donkey. They are donkeys. One thing. Jasya buddhi kunpe tidhatu ke kalatradi. There are all donkeys. जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, गुरु के आश्रय में रहकर, वो सब गधे हैं। इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। Those who are not doing bhajan, always testing worldly desires, worldly materials, they are all donkeys. And they are assistants of Kansa Maharaj, associates of Kansa. We should not be the associates of Kansa. हम लोगों का कंस का अनुचर नहीं है, हम तो कृष्ण और बलदेव जी के अनुचर हैं। इसलिए गुरु के अनुगत में रहकर उनका भजन कर। Secondly, एक गधे का और गुण है। गुण क्या है? वो पीठ पर लाद करके शक्कर, दही, दूध, मक्खन, मिश्री सभी कुछ पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, जहां पर आदमी नहीं चढ़ सकता है सही रूप में, किंतु उसका टेस्ट नहीं कर सकते। डंकीज कैन कैरी स्वीट थिंग्स, मक्खन, बटर, एवरीथिंग, बट दे कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग। इट इज फॉर अदर्स। ऑल्सो वन थिंग, गधे बरसात में मोटे होते हैं, गर्मी में मोटे होते हैं और बरसात में दुबले पतले हो जाते हैं। डंकीज दे बिकम फैट इन समर एंड दे बिकम वेरी लीन एंड थिन इन रेनी सीजन। व्हाई? गर्मी के दिनों में घास तो रहती नहीं, चरते चरते बहुत दूर चले जाते हैं, घास नहीं मिलती, और बहुत दूर से देखते हैं कि आज हमने इतना दूर लंबा चल दिया, चर लिया, हमारा पेट भर गया। They are not taken anything, but they are seeing that we have come from this place to this place very far away. So they became fat. And in rainy season, चारों तरफ में बहुत घास हो जाती है और दो चार पग खाने पर भी उनका पेट भर जाता है, किंतु सोचते हैं कि आज हमने कुछ भी नहीं चरा। ये गधे की निशानी है। जो लोग भगवान का भजन करके संतुष्ट नहीं होते वो गधे हैं, और जो लोग संसार का कोई भी काम नहीं करें, कुछ भी ना करें और भगवान का भजन करते हैं, उनका जीवन सफल है। वो लोग जन्म मरण इत्यादि को पार करके नित्य धाम में कृष्ण की सेवा को पाएंगे। और जो लोग दिन भर गधे की भांति
परिश्रम करते हैं और भगवान का भजन नहीं करते वो सब गधे हैं। ये इसको शिक्षा देने के बलदेव प्रभु जी ने यहाँ पर उसको मारा था, धेनुकासुर को मारा था। सो वी वांट दैट यू शुड नॉट फॉलो डंकीज और कंस, यू शुड फॉलो कृष्ण एंड बलदेव। गिव अप ऑल योर डिजायर्स, मनी यू कैन मेंटेन योर लाइफ by serving Krishna, taking the remnants and always serving Krishna and Baldev, then your life will be successful. And if you are whole time, day, night, doing labor like ashes, donkeys, your life will be ruined. Aaj hum log Baldev Prabhu ji ke charno mein prarthana karte hain, we pray in the lotus feet of Sri Baldev Prabhu that he should sprinkle his mercy on us, that we can follow him and we can serve him. And in the guidance of Gurudev, we will serve Radha and Krishna conjugal. Gaur Pramanande. Kaun yahan ke bolna chahte hain? Thoda sa humko. Shri Bhupendra ji, Maharaj ji ka swagat kar rahe hain. Dhar karein, iska sansal chalaein. Hauya Maharaj ji, और कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। बोलो। श्री श्री 108 श्री श्यामलाल आपसे यह निवेदन करते हैं। मैंने ग्राम व्यासों की बातें हम लोगों ने सुनी, किंतु एक बात है, हम लोग स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति पद होदे सारे चीजों को छोड़ करके यहाँ पर ब्रिज में ग्राम वाले की मधुकरी लेकर के भजन करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि साधारण लोगों को भजन किसको कहते हैं इसका कोई बहुत आइडिया नहीं है। हम ब्रिज में किसी चीज का मालिक बनने के लिए, धन संपत्ति बटोरने के लिए नहीं आए हैं। हमारे साथ में जो आए हैं बड़े बड़े धनी अगाध लोग हैं, किंतु ये सब लोग ब्रज में घूम रहे हैं कृष्ण की कृपा पाने के लिए। धन की अब लालसा नहीं, जमीन की लालसा नहीं। हम लोगों ने हजारे बीघे जमीन छोड़ दिया, घर पर ऐसे ही छोड़ करके चले हैं। एक दो बीघा नहीं, हजारों बीघे जमीन की संपत्ति के हम लोग मालिक थे, सबको छोड़ करके आए हैं। तब हम चाहते हैं कि ब्रज में जो स्थान है जहाँ पर कि मंदिर है उनका पुनरुद्धार हो, जैसे कि हम दुर्भाषा में वहाँ का बहुत भव्य मंदिर हम लोग निर्माण कर रहे हैं। जरूरत होगी तो हम मंदिर बना करके उसकी व्यवस्था करके हम उसको छोड़ करके हम लोग चले आएंगे। उसी प्रकार से हम अभी विचार करेंगे अभी, और विचार करके हम देखेंगे आप लोगों की और भी बातें सुनेंगे, सुन करके हम कोई दृढ़ मंतव्य करेंगे, उसके पहले नहीं। क्या स्थिति है, कैसे इसके डीड और डॉक्यूमेंट्स हैं, खूब अच्छी तरह से हम देख करके विचार करके परामर्श करके तब हम चाहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। किंतु इसके लिए आप लोगों से सविनय प्रार्थना है कि आप लोग इसके जो ट्रस्टी हों या कोई हो हमारे पास में मथुरा में मिले, हम इसकी कानूनी संगत सब कुछ देख करके जैसा होगा हम इसके पुनर्निर्माण की हम चेष्टा करेंगे, और आप ही लोग संभालेंगे। हम मंदिर हो सकता है कि बनवा करके आप ही लोगों को दे दें, आप ही लोग संचालन करेंगे, हमारा कुछ लोभ नहीं इसमें। तब हाँ चाहते हैं कि मंदिरों की सुव्यवस्था हो, सुंदर एक निर्माण यहाँ पर हो जो कि बलदेव प्रभु जी की स्मृति और उनकी लीला की स्मृति दिलाए, बस यही हम लोगों का उद्देश्य है। और एक बात हम लोग और जानते हैं, वृंदावन चैनमय भूमि है, यहाँ की एक रेणुका पर विश्व ब्रह्मांड की सारे वैभव भी न्यौछावर किया जा सकता है। एक धूली कणा का यहाँ इतना मूल्य है कि सारा विश्व ब्रह्मांड उसका सारा वैभव भी बेच दिया जाए तो इसकी क्षमता नहीं हो सकती। इसलिए वृंदावन का हम लोग क्या सुधार करेंगे, वो तो कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की इच्छा से ऐसी होती है, कभी जलमय होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तभी हम लोग चाहेंगे, बलदेव प्रभु जी यदि चाहेंगे हम लोग उनकी सेवा में तत्पर होंगे, किंतु आप लोगों का भी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बिना आप लोगों के सहयोग और इच्छा के कुछ भी नहीं होगा। यदि सब लोग आपकी इच्छा होगी तो हम इसके विचार करके
और अच्छी तरह से संकल्प लेकर के तब इसमें उतरेंगे। विशेष करके मैं अकेला नहीं हूँ, हम लोग बहुत से ट्रस्टी इसमें हैं, गौड़ीय वेदांत सबिंद्र के अंदर में 12 आदमी हैं। हम लोग विचार करके देख सुन करके इसको हम लोग ग्रहण करेंगे, किंतु आप लोग एक बार मथुरा में मिलिए जो इसके अधिकारी है। हाँ, तो फिर जो अधिकारी है गाँव के आदमी है वो हमसे एक बार मथुरा में मिलेंगे। प्रबंधक होता है। हाँ, तो वही कागज में। हाँ, तो वो वही आदमी हमसे मिले और गांव के बुजुर्ग भी मिले और इसके बाद में हम लोग आगे के लिए विचार करें। कागजात के साथ में आए अभी इतना बहुत बढ़िया गौर प्रेमानंदे। अभी अभी खाली कुछ यहाँ पक्के लोगों ने माधुकरी की व्यवस्था की है, जल्दी से इसकी व्यवस्था की जाए। ब्रह्मचारी लोग या गांव के लोग जुट जाएं, आप जा करके जल्दी से व्यवस्था कीजिए, जल्दी जल्दी व्यवस्था करो, फटाफट एकदम व्यवस्था कर दो। बैठिए बैठिए, आप लोग सब बैठ जाइए, सूरज को पीछे कर दीजिए। यू कैन कीप सन इन बैक वे एंड यू कैन सीट इन लाइन और हियर एंड देयर हियर सिटिंग एंड शुभानंद जल्दी जाओ और दो चार आदमी। Oh,
नंदनम नमामि नंदनम नमामि नंदनम Bye.
Swami Satchidananda Rupa.